नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पुराने लखनऊ में शुक्रवार दोपहर हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। कत्ल हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी का हुआ था, वो भी उसी के कार्यालय में। कातिल भगवा कुर्ता और जीन्स पहनकर मिठाई का डब्बा लिए कमलेश के पास पहुंचे थे। मिठाई के डब्बे पर धरती स्वीट्स सूरत का पता था। दोनों संदिग्ध पूरे 36 मिनट तक कमलेश तिवारी के कार्यालय में बैठे, उसके साथ चाय पीते हैं और बातें करते हैं। इसके बाद दोनों ही जैसे वहां से निकलते हैं, कमलेश फर्श पर लहू लुहान छटपटाता मिलता है। हमें कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और कुछ और भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उस आधार पे, एंड इट्स प्योरली क्रिमिनल एक्टिविटी डन बाय टू पीपल एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। अट्ठारह अक्टूबर शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे, खुर्शीद बाग, लखनऊ। पुराने लखनऊ का ये इलाका बेहद भीड़ भाड़ वाला है। इसी इलाके में हिंदू समाज पार्टी का कार्यालय है। यह कार्यालय हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी के घर में ही बना हुआ है। दोपहर करीब 12:30 बजे दो नौजवान इस कार्यालय में पहुंचते हैं। दोनों ने भगवा कुर्ता, जीन्स और स्पोर्ट शूज पहन रखी थी। इनमें से एक के सिर पर सफेद रंग की टोपी थी। कार्यालय पहुंचने के बाद दोनों कमलेश तिवारी से मिलते हैं। उस वक्त कार्यालय में कमलेश तिवारी का एक नौकर और एक गनर भी मौजूद थे। गनर ऊपर छत पर सो रहा था। कमलेश तिवारी को दो गनर मिले थे, दूसरा गनर करवा चौथ की छुट्टी पर घर गया हुआ है। कार्यालय आने के बाद दोनों करीब 36 मिनट तक कमलेश तिवारी के साथ होते हैं, बातें करते हैं। इस दौरान कमलेश अपने नौकर को किसी काम से बाहर भेज देता है। कमलेश का नौकर जब वापस कार्यालय पहुंचता है तो देखता है कि कमलेश फर्श पर बुरी तरह लहूलुहान पड़ा है। पास में ही एक कट्टा पड़ा था। टेबल पर मिठाई का एक डिब्बा और चाय के कप थे। नौकर के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर फौरन कमलेश तिवारी को ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। कमलेश के गले पर चाकू के अनगिनत घाव थे, साथ ही शरीर में गोली के भी जख्म मिले हैं। कातिल ने चाकू और कट्टे दोनों का इस्तेमाल किया था। किसी रंजिश को लेकर के वहां पर जो है उन्होंने वो लोग इन पे हमलावर हो गए और इनको घायल अवस्था में यहाँ ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें पुलिस ने कई टीमें इसमें लगा दी गई हैं धरपकड़ के लिए, और जो इसमें डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही हैं। और जैसा कि मौके से जो सूचना आई थी कि दो लोग यहाँ पर आए थे मिलने के लिए, वो दो लोग कौन थे, इन सभी पहलुओं पर एक जो है जाँच की जा रही है। वारदात के बाद तफ्तीश के दौरान लखनऊ पुलिस को कमलेश तिवारी के कार्यालय से कुछ ही दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। उसी कैमरे के फुटेज में भगवा कुर्ता पहने दो लोग नजर आते हैं। चश्मदीद कमलेश के नौकर के मुताबिक ये वही दोनों थे जो कमलेश से मिलने आए थे। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से दोनों कार्यालय तक पैदल आए थे। बहुत मुमकिन है कि इन्होंने अपनी गाड़ी कहीं और पार्क कर रखी हो। कमलेश तिवारी जी बोले कि बेटा जाओ थोड़ा मसाला लेके आओ, मसाला बहुत खाते थे वो, तो गया मसाला लाने और आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि तीनों आदमी एकदम गेट से ही दिखाई पड़ता है, तीनों आदमी गायब है। तिवारी जी टेबल के नीचे खून से लथपथ थे, वो दोनों गायब थे। मैं पीछे डायरेक्ट गया रूम में, कोई है नहीं। फिर मुझे ध्यान में आया खून पूरा पड़ा था, मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे एक लड़के ने आके बताया कि देखो भाई पापा को किसी ने मार दिया। तब हम लोग ऊपर भागते हुए गए और देखा तो पापा की बॉडी पड़ी हुई थी, गला कटा हुआ था। गोली भी मारी गई है जैसा हमें बताया गया है, पिस्टल भी बरामद हुई है कार्यालय से। क्या किसी ने देखा हमलावरों को जाते आते हुए जाते हुए, कुछ आपको बताया? टार जो ऊपर रहते हैं वो ये कह रहे थे कि भाई गोली चली थी तो आवाज सुनने में आई थी बस। मौके वारदात से पुलिस को मिठाई का एक डिब्बा भी मिला है। इस डिब्बे पर सूरत के एक मिष्ठान भंडार का पता है। तो क्या कातिल सूरत से आए थे या फिर इस कत्ल का सूरत से कोई और कनेक्शन है? इस वारदात के बाद लखनऊ में कुछ इलाकों में तनाव भी बना हुआ है। हालांकि इस कत्ल और कत्ल की वजह को लेकर अलग अलग शक जताए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे आतंकवाद और आईएसआईएस से भी जोड़ रहे हैं,
लेकिन जहां तक लखनऊ पुलिस का सवाल है तो राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस कत्ल को आपसी रंजिश का नतीजा ही करार दिया है। उनका कहना है कि आतंकवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और कुछ और भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, उस आधार पे हम उस पर वर्क कर रहे हैं। हमने स्मॉल टीम भी गठित कर लिया है और कुछ कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ एविडेंशियल जो सूचनाएं हमें मिली है, और साथ ही साथ एसटीएफ को भी, स्पेशल टास्क फोर्स को भी हमने लगा दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। एंड इट्स प्योरली क्रिमिनल एक्टिविटी डन बाय टू पीपल एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। अब सवाल यह है कि कमलेश तिवारी की हत्या की वजह क्या हो सकती है, क्यों कुछ लोग इस हत्या को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं और क्यों इस हत्याकांड को सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो इन सवालों के जवाब 2015 के कमलेश तिवारी के एक बयान में छुपा है। कमलेश तिवारी की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनके समर्थक मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहां पर बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाए। आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। नीलांशु शुक्ला और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद कुछ लोगों ने लखनऊ में माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की। अफवाहें उड़ी कि इस हत्याकांड के पीछे आईएसआईएस या फिर आतंकवादियों का हाथ है। वजह बताई गई कमलेश तिवारी के 2015 के उस विवादास्पद बयान को लेकर, जिसकी वजह से उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भी भेजा गया था। मगर शुरुआती तफ्तीश के बाद यूपी के पुलिस महानिदेशक इस हत्याकांड के पीछे आईएसआईएस या आतंकवादियों का हाथ होने की बात से इनकार कर रहे हैं। यूपी पुलिस का कहना है कि ये स्थानीय अपराधियों का ही काम है। कमलेश तिवारी का नाम पहली बार 2015 में तब सामने आया था जब कमलेश ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर उस वक्त काफी हंगामा हुआ था। कई मुस्लिम संगठनों ने इस पर सख्त एतराज जताया था। इसी के बाद यूपी सरकार ने कमलेश तिवारी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद बीजेपी ने भी कमलेश तिवारी से किनारा कर लिया था। जेल से बाहर आने के बाद 2017 में कमलेश तिवारी ने अपनी नई पार्टी बनाई, नाम रखा हिंदू समाज पार्टी, जिसका दफ्तर खुर्शीद बाग में अपने ही घर में खोल लिया। कमलेश तिवारी के विवादास्पद टिप्पणी के बाद उस वक्त एक मुस्लिम संगठन ने उसका सर कलम करने का फतवा भी जारी किया था। इतना ही नहीं, कुछ वक्त पहले गुजरात में पकड़े गए आतंकवादियों ने एटीएस को ये जानकारी दी थी कि कमलेश तिवारी आईएसआईएस के भी निशाने पर है। अपने उसी बयान की वजह से गुजरात एटीएस का कहना है कि उसने ये इनपुट यूपी पुलिस को भी दे दी थी। हालांकि खुद कमलेश तिवारी ने कुछ दिन पहले ट्वीट कर ये शिकायत की थी कि उसे जरूरी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इस ट्वीट में कमलेश तिवारी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी को टैग भी किया था। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कमलेश तिवारी को दो गनर जरूर मिले हुए थे, मगर जब ये वारदात हुई तो एक करवा चौथ की छुट्टी पर था और दूसरा सो रहा था। शुरुआती जांच के बाद लखनऊ पुलिस का मानना है कि ज्यादा संभावना यही है कि इस हत्याकांड के पीछे लोकल लोगों का हाथ हो सकता है। पुलिस इस कत्ल को आपसी रंजिश के एंगल से भी देख रही है। इसके पीछे पुलिस की दलील भी है। मौके पर एक असला यहाँ पे मिला है और यहाँ पर टीम है, फील्ड यूनिट को यहाँ पे बुला लिया गया है। प्रथम दृष्टया किसी व्यक्तिगत रंजिश को लेकर के बात लग रही है कि जो लोग यहाँ पर मिलने आए थे उनका कोई रंजिश की बात थी, जिस रंजिश के तहत उन्होंने ये जो उनके परिचित भी लग रहे हैं, जिस तरह से उनका आना और चाय पीने की बात यहाँ पर बताई गई है, तो किसी परिचित ने रंजिश के कारण ये घटना कारित करना की संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ पर। दलील ये कि कातिल करीब 36 मिनट तक कमलेश तिवारी के कार्यालय में रहे, उससे बातें करते रहे। कमलेश के नौकर और चश्मदीद सौराष्ट्र सिंह के मुताबिक कमलेश जिस तरह से दोनों से बातचीत कर रहा था, उससे साफ था कि कातिल कमलेश का पुराना परिचित है, यानी वो दोनों उसके लिए अनजान नहीं थे। और वैसे भी ऐसी वारदात में कत्ल के बाद कातिल का पहला काम होता है जल्द से जल्द मौका वारदात से निकल भागना, लेकिन यहाँ दोनों करीब 36 मिनट तक कमलेश के साथ रहते हैं। लखनऊ पुलिस कमलेश तिवारी के घर के आसपास के तमाम नाकों और चौराहों और दूसरी अहम जगहों की सीसीटीवी फुटेज को भी
खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि कातिल के आने और जाने के रास्तों की जानकारी हासिल की जा सके। सीसीटीवी फुटेज में दोनों के जो हुलिये मिले हैं उनसे भी पुलिस उन दोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक ने एक स्पेशल टीम भी बना दी है। हम कमलेश तिवारी के घर पर हैं, जिस वक्त जहां इस वक्त बिल्कुल मातम छाया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग गमगीन हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मिल करके गए हैं। ये इस वक्त परिवार का हाल है क्योंकि बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया है। कौन लोग थे, क्या उनका मोटिव था, अभी तक प्रशासन इसे बताने में नाकाम है। सिर्फ कहा जा रहा है कि तमाम एंगल पर जांच चल रही है। हमारे साथ इस वक्त कमलेश तिवारी की बहन है, पत्नी का हाल बेहाल है, आप देख सकते हैं। आधा परिवार इस समय हॉस्पिटल में है। ये बताइए ये कैसे घटी चीज़ें, आप लोगों को क्या मालूम चली, कौन लोग हो? हमको फ़ोन गया कि किसी ने उनको गोली मार दी, तो हमने कहा उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। जब तक फ़ोन गया मगर यहाँ सब रोड हो रही थी, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये लड़की रहती है सामने, इसने हमको फ़ोन करके बताया तो हमको पता चला, फिर हमने किया फिर भी नहीं पता चला। फिर थोड़ी देर बाद फिर किया तो कह रहे ट्रामा ले गए हैं, लेकिन शायद वो यहीं ख़त्म हो गए थे। इतना भयंकर, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। जब उनको सुरक्षा मिली हुई थी, चार आदमी नीचे बैठते थे, उनका गनर उनके साथ रहता था, यहाँ पे एक आदमी पुलिस वाला खाली बैठा था। उसने चेक क्यों नहीं किया कि कौन ऊपर जा रहा है, क्या ले जा रहा है? उसको चेक करना चाहिए ना, सारी जिम्मेदारी है पुलिस फोर्स की। नीलांशु शुक्ला और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। कमलेश तिवारी हत्याकांड की तफ्तीश जारी है। यूपी के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने हत्याकांड की तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि फिलहाल जांच में जो सबूत मिले उससे उम्मीद है कि हत्याकांड का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, कमलेश तिवारी हिंदू समाज पार्टी उन्होंने फॉर्म किया था और आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनकी हत्या कर दी गई। जिन्होंने हत्या की वो इनके परिचित बताए जाते हैं, जिन्होंने लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय उनके साथ बिताया। एक मिठाई का डब्बा लाए वो और उनको दिया और उसके बाद ये हत्या हुई है। हमें कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और कुछ और भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, उस आधार पे हम उस पर वर्क कर रहे हैं। हमने स्मॉल टीम भी गठित कर लिया है और कुछ कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ एविडेंशियल जो सूचनाएँ हमें मिली है, और साथ ही साथ एसटीएफ को भी, स्पेशल टास्क फोर्स को भी हमने लगा दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। एंड इट्स प्योरली क्रिमिनल एक्टिविटी डन बाय टू पीपल एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। देखिए, कुछ स्मॉल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वहाँ था, लोग ये कह रहे थे कि इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए, और लेकिन अब बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। हमारे ऑफिसर्स वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि विद इन 48 आवर्स हम क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे और उस तह तक जाएंगे कि आफ्टर ऑल क्या रीजंस थे जिसके कारण यह हत्या हुई है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।